गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका बायोटेक कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों कि अपन ने जो स्टार्ट किया था, अपन जो 11 कक्षा की जो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो यूनिट स्टार्ट करी थी अपन ने, जो आपके NCERT बेसिक बात कर बता रहा हूँ मैं, तो NCERT बेसिक बात बता रहा हूँ, उसमें जो अपन ने यूनिट जो स्टार्ट करी थी, वो जो यूनिट थी अपनी थर्ड यूनिट है। और उसके अंदर अपनी जो यूनिट चल रही थी, वो चल रही थी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब अपन डिस्कसिंग अबाउट द सेल। ठीक है, इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल। और उसके अंदर जो चैप्टर जो अपन ने स्टार्ट किया था, वो बच्चों चैप्टर था अपना जो 8th चैप्टर है वो था, और उसका नाम था सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो एक इकाई है यूनिट ऑफ लाइफ में, जीवन की इकाई कब जिसको बोलते हैं, वो अपनी थी। तो बच्चों आपको याद होगा प्रीवियस कक्षा के अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज द सेल, व्हाट सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। आफ्टर इट वी डिस्कस अबाउट द सेल थ्योरी प्रपोज बाय द मैथ्यू स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान। एंड आफ्टर इट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द मॉडिफाइड सेल थ्योरी प्रपोज बाय द रुडोल्फ विर्चो। तो बच्चों उसके बाद जो आज की कक्षा के अंदर, आज के लेक्चर में जो बात कर रहे हैं, वो एक और इसमें जो NCERT के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आज की बात होगी। आज अपन बात करेंगे एन ओवर व्यू ऑफ सेल। ठीक है, एन ओवर व्यू ऑफ सेल, ओवर व्यू ऑफ सेल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एक कोशिका होती है, ठीक है, उसकी संरचना किस प्रकार से, ओवर व्यू देखें उसमें क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें क्या क्या होती है उसके अंदर, है ना, मोटी मोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, वो किस प्रकार से होती है, क्या क्या उसके अंदर होती है, उनके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो इसमें देखो बच्चों, जो अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अपन डिस्कस करने के लिए, एक ओवर व्यू देखने के लिए, सेल का ओवर व्यू देखने के लिए, एक तो लेते हैं ओनियन पील सेल, ओनियन पील सेल प्याज आप जानते हो, और दूसरी जो सेल लेते हैं वो लेते हैं एक चिक सेल, चिक जो अपने गाल की सेल होती है, तो वुमन सेल। तो ये ओनियन पील सेल तो एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है ना, तो वुमन सेल लिख दो इसको, वुमन चिक सेल। ठीक है, ये तो इसमें जब अपन इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, अपन जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप बोथ द सेल, दोनों सेलों को जब अपन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं इसमें, और भी ऑफ सेल के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एक सेल के अंदर किस किस प्रकार की संरचना होती है, क्या क्या इसके अंदर टिपिकली क्या क्या फाउंड होता है सेल के अंदर, किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको कि अपन जब ऑब्जर्व करते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग द ओनियन पील सेल, चिक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, वी फाइंड दैट, तो इसमें देखो जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर एक जो कवरिंग पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल के अंदर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अपन जब इनके प्लांट सेल और ह्यूमन सेल, जिसको ओनियन सेल, ओनियन पील और चिक सेल जो लिए हैं अपन ने, तो इसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या फाइंड आउट करते हैं कि इसके बाहर एक क्या, एक क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो इसको स्ट्रेंथ और हार्डनिंग प्रोवाइड करती है। इसके नीचे जो होती है, इसके नीचे विद इन द सेल वॉल एक मेम्ब्रेन इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके नीचे क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये हो गया। और एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के बाहर एक
जो कवरिंग पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल वॉल आर नॉट फाउंड इन द एनिमल या ह्यूमन सेल्स, ठीक है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो उन्होंने जो अपन जो इसके ऑब्जर्व करते हैं ये चीज़ माइक्रोस्कोप पे, तो ये चीज़ अपन को पता होती चलती है ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल के बाहर जो कवरिंग पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ और पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात है, ईच सेल कंटेन अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ईच सेल कंटेन ए डेंस, डेंस का मतलब होता है संघन। ईच सेल कंटेन डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो प्रत्येक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ईच सेल, ठीक है, ईच सेल कंटेन ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से बाउंड, देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड, चाहे अपन प्लांट सेल की बात करें चाहे ह्यूमन सेल या एनिमल सेल की बात करें, दोनों के अंदर देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका संघन होता है, सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियस, केंद्रक बोलेंगे। न्यूक्लियस कंटेन है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, इस प्रकार से ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और इन द क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज फाउंड, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये है क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है बच्चों, ठीक है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस सेल डिवाइड इंटू टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस सेल डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सेल डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ठीक है, सेल डिवाइडेड इंटू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस, ठीक है, न्यूक्लियस, इफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। न्यूक्लियस अब्सेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड या वेल डेवलप्ड अपन बात करें, है ना। तो अपन बात करें न्यूक्लियस के आधार पर जो सेल्स होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है, सेल्स होती है दो प्रकार की होती है। यदि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और प्लांट सेल और जो एनिमल सेल्स है वो दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है। और न्यूक्लियस अब्सेंट या मेम्ब्रेन बाउंडेड या वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है अब्सेंट, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेल डिवाइडेड इन टू टाइप्स, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, डेड सेल्स इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड द वेल डेवलप्ड और न्यूक्लियस अब्सेंट, डेट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसके बाद ये बात हो, इसके बाद क्या होता है कि जो इसका जो ग्राउंड मटेरियल होता है, ग्राउंड मटेरियल इज फिल्ड विद द सेमी जो फ्लूड, सेमी फ्लूड, ठीक है, ग्राउंड मटेरियल ऑफ द सेल विच कवर्ड विद द मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन सेल या प्लांट एनिमल सेल, एंड मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कवर्ड इन प्लांट सेल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द या मैट्रिक्स इज कवर्ड विद द ए सेमी फ्लूड, डेट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में बच्चों, साइटोप्लाज्म में इसके जो न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो न्यूक्लियस होता है इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, these are called the cell organelles, these structures are called cell organelles, these structures are called cell organelles, these structures are called cell organelles। cell organelles such as
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट से, माइक्रो बॉडीज, विक्योल, सम अदर आल्सो फाउंड। तो दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एलोंग विद द डेंस बॉडी मेम्ब्रेन ऑन डेंस बॉडी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में ये भी ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं यूकेरियोटिक, जो सेल्स होते हैं उनके सबके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करें कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे अपने एनिमल सेल्स की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, दोनों में पाए जाते हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर बात करें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी पाया जाता है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस में जो टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो ये जो मोटी मोटी बातें थी वो इसमें आती है। अब इसके बाद बच्चों तो इसमें अपन ने यहाँ पर ये बात करी है कि जब अपन ओनियन सेल और चिक सेल जो होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो चिक तो ह्यूमन सेल होगी, ओनियन सेल प्लांट सेल होगी, तो उनमें डिस्कस करते हैं। तो जो ये सेल्स होती है ना, जो प्लांट सेल्स होती है उसके बाद सेल वॉल पाई जाती है और उसके नीचे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। वो एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, ओनली एक ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और उसमें अपन ने बताया डेंस बॉडी पाई जाती है, मेम्ब्रेन और डेंस बॉडी, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमोसोम जिसको होता है, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। इसके साथ में क्या होता है कि जिसका जो इसका जो मैट्रिक्स है, जो इसका जो वॉल्यूम है सेल का, इट इज़ फिल्ड विद द सेमी फ्लूड दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द प्लेस फॉर द ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन हेल्ड इन द सेल। मतलब क्या, जितनी भी जो क्रियाएँ होती है कोशिका के अंदर, जितनी भी जो रिएक्शंस होती है, क्रियाएँ होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो कहाँ पे होती है, इसे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों वो कहाँ होती है, इसे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक इस प्रोवाइड करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये बात है। फिर अपन न्यूक्लियस के आधार पर अपन बात की, सेल्स दो टाइप्स की होती है, आपके यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट इज ए प्लांट सेल, एनिमल सेल एग्जांपल ऑफ द यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन विच द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर इज अब्सेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल याद रखना, बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की अपन बात करें, आपके भी आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियल जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है। फिर बीजीए, बीजीए क्या होता है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और तीसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इसको पी पी एल ओ भी बोलते हैं, है ना। पी पी एल ओ का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो फिर अपन ने बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस के अलावा भी सेल ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म, तो सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, माइक्रो बॉडीज होती है, विक्योल्स होती है। तो ये क्या होते हैं, ये जो है वो स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये जो ज़्यादातर जो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सारी की सारी। अब बात प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के साथ साथ में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सो सेल ऑर्गन्स आल्सो अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस तो अब्सेंट होता ही होता है, साथ साथ में वेल
जो मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि जो एक मेम्ब्रेन अनबाउंडेड जो होता है, ठीक है, मेन अनबाउंडेड जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेन्स है दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल सच इज राइबोसोम आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ द सेल। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द बोथ टाइप ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। Along with these cells, this is also found in some cell organelles such as mitochondria and chloroplast and endoplasm and on the endoplasmic reticulum. मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ बच्चों, ये मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर ये सेल ऑर्गेन्स तो होते ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स फाउंड इन द बोथ टाइप ऑफ द सेल्स। बोथ टाइप ऑफ द सेल्स का मतलब होता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ राइबोसोम की बात बता रहा हूँ, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी पाया जाता है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ में ये किस में पाया जाता है, ये साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि आपको याद रखना है, नॉन जो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द बोथ टाइप ऑफ सेल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, अलोंग विद दीज आल्सो फाउंड इन सम ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इनके अंदर एंड लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो बात करते हैं बच्चों, एनिमल जो सेल्स होती है, ठीक है, ये एनिमल सेल्स है, जैसे इसमें अपन बता देते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ जैसे किस प्रकार से होती है, आगे अपन इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे ये होगी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और ये होगी आपकी गोल्जी बॉडी होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना, और ये लाइसोसोम हो गया, ये वैक्यूल होगी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर में पाई जाती है। और ये जैसे अपन एनिमल सेल की बात करें तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और ये आपकी होगी गोल्जी बॉडी होगी, ये लाइसोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये राइबोसोम हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर जितने वैक्यूल जो होते हैं ये इनमें पाई जाती है। और साथ साथ ही अपन यहाँ पर मैं बात बताने जा रहा हूँ, एक आप जो नोट्स बनाओगे एनसीईआरटी मिल जाएगा सारी चीज़ें, तो स्टार लगा के लिखना कि इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स और होता है। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो एनिमल सेल्स होती है, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर क्या बता रहा हूँ मैं, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सेल ऑर्गन्स होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है ना अपन पढ़ेंगे उसमें मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो नॉन मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, एनिमल सेल के नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है, ठीक है, जो बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है सेल नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रियोल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है और जब गुणसूत्रों का जो गुणसूत्र जब पृथक होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो जो विपरीत पोल होते हैं, अपोजिट पोल होते हैं, तो वहाँ से गुणसूत्रों को
पोल की तरफ अट्रैक्ट करने का जो काम करता है वो सेंट्रियोल से, वहाँ से स्पिंडल फाइबर क्रिएट करता है। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट करने में मदद करता है। तो बच्चों ये होगी अपनी यहाँ तक की बात। इसके बाद क्या करते हैं, तो अपन सेल की जो बात करते हैं, सेल ग्रेटली डिफर्स होती है इन शेप साइज एंड वर्क के अंदर, बात करते हैं एक्टिविटीज के अंदर, है ना। तो देखो देखो सेल्स होती है, जितनी भी सेल्स होती है उनके डिफरेंस होता है शेप के अंदर होता है, साइज के अंदर होता है, उनके एक्टिविटीज के अंदर डिफरेंस होता है। कैसे, जैसे अपन सबसे बात की स्मॉलेस्ट तो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है वो है आपके माइकोप्लाज्मा की, जिसको PPLO भी बोलते हैं। PPLO क्या होता है बच्चों, प्लूरा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ेंगे अपन। PPLO क्या, माइकोप्लाज्मा होता है, इससे क्या होता है रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप होते हैं, निमोनिया से सिम्टम डेवलप होते हैं। तो इसके लिए माइकोप्लाज्मा क्या होता है, PPLO बोलते हैं, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो इसकी जो साइज होती है वो 0.3 माइक्रोन मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें बैक्टीरियल जो सेल है, बैक्टीरियल सेल की साइज है 3 से लेकर 5 माइक्रोन मीटर होती है, ठीक है। और सबसे जो बिगेस्ट सेल है, बिगेस्ट सेल वो आइसोलेटेड एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच की जो एक सेल्स होती है वो सबसे बिगेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल्स होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होती है। और जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपन में बात करते हैं, RBC की जो साइज होती है, RBC की ह्यूमन RBC की साइज होती है वो होते 7 माइक्रोन मीटर होती है। जो अपनी रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी जो साइज की बात करें वो कितनी होती है बच्चों, 7 माइक्रोन मीटर होती है। इसके साथ ही अपन बात करें तो जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है। कि अपन RBC की बात करें तो RBC शेप होती है राउंड एंड बाई कौन क्या होती है, मतलब क्या होती है दोनों तरफ से देखो कौन क्या होती है, तो ये राउंड एंड बाई कौन के किसकी है, RBC की। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी अपन बात करें तो राउंड एंड बाई कौन के होती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एपिथेलियल जो है आपका वाइट ब्लड सेल्स है, WBC, इसकी अमीबॉइड होती है, ठीक है, अमीबा के आकार की, ठीक है, अमीबॉइड WBC वाइट ब्लड सेल्स की। इसके बाद बात करते हैं अपन जो आपके कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स है, जो ऊतक होता है कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स की लॉन्ग एंड नैरो होती है। इसके बाद अपन बात करें तो नैरो सेल्स की बात करें, ये ब्रांचड होती है, ठीक है, इस प्रकार से नैरो सेल की बात करें तो नर्व सेल्स होती है, ये क्या होती है बच्चों,
नर्स ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है ना, सबसे लंबी होती है, ब्रांचे होती है, ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है। अपन स्ट्रक्चर की बात करें ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है। इसके बाद जो बात करते हैं मेसोफिल सेल्स की, राउंड एंड ओवल होती है। जो मेसोफिल जो सेल्स होती है जो प्लांट में पाई जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, राउंड एंड ओवल होती है मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। इसके बाद जो बात करते हैं जो ट्रेकिड्स होती है वो इलोंगेटेड होती है, ट्रेकिड्स होती है, ठीक है, ये इलोंगेटेड होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की जो सेल्स होती है उनकी स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, साइज होती है, अलग अलग होती है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है, कल की कक्षा में अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स।